नमस्कार, मैं आज आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान रामचंद्र जी का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्ति भावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो काफी प्रसिद्ध भी है। खास तौर पर उत्तर भारत में राम जी अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष है। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके तीन भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। श्री राम जी ने लंका के राजा रावण का वध किया था। श्री राम जी की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी साथ छोड़ दिया। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहि की थी। श्री राम जी के पिता दशरथ जी ने उनकी सौतेली माँ केकई को उनकी किन्हीं दो इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया था। केकई ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजसिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा करने के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता जी ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकरा कर और बड़े भाई राम की चरण पादुका ले आए, फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम जी वनवासी थे, तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया था। जंगल में राम जी को हनुमान जी जैसे मित्र तथा भक्त मिले, जिनसे राम जी के सारे कार्य पूरे हुए। राम जी ने हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि वानर जाति के महापुरुषों की मदद से सीता जी को ढूंढा, समुद्र पर पुल बनाया तथा रावण के साथ युद्ध किया, उसे मारकर सीता जी को वापस लाए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको सौंप दिया। राम न्यायप्रिय थे, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन के राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके दो पुत्र थे, लव एवं कुश ने इनके राज्यों को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। अब मैं इस श्लोक के द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। धन्यवाद। जय श्री राम।